आज हम आप लोगों को एलेक्स टैबलेट के बारे में बताएंगे। इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में करना चाहिए, इस टैबलेट से क्या क्या लाभ है, इस टैबलेट के इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, इस टैबलेट से होने वाला साइड इफेक्ट और सुरक्षा संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं डॉक्टर सीएस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की स्वास्थ्यवर्धक और ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा हम लाते रहते हैं जो किसी भी प्रकार आपकी मदद करेगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एलेक्स टैबलेट का इस्तेमाल कब किया जाता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है। जब आपको सूखी खांसी आती है जिसमें बलगम नहीं रहता है, उसमें इस टैबलेट को आपको लेना है, उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये 80 रुपये में आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। इसकी एक स्ट्रिप में 14 टैबलेट आती है और बहुत ही अच्छी बात ये है कि ये शुगर फ्री और नॉर्मल दोनों पैकेजिंग में उपलब्ध है। अब हम जानते हैं कि इस टैबलेट से क्या लाभ। सूखी खांसी, जिसे नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है, ऐसी खांसी है जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता है, इससे परेशानी होती है। आमतौर पर यह गले में खरखरेपन से जुड़ा होता है और यह जुकाम, फ्लू, एलर्जी के और गले के इरिटेंट के कारण हो सकता है। एलेक्स खांसी लाजेजेस लेमन जिंजर सूखी और शुष्क खांसी को दबाता है। यह दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने में आपकी बहुत मदद करेगा। यह टैबलेट सुरक्षित और प्रभावी है। एलेक्स लाजेजेस लेमन जिंजर आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। अब हम जानते हैं इस दवा को इस्तेमाल करने का तरीका, कैसे इसे इस्तेमाल करना है। इस दवा की खुराक और अनुपात की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। गीले हाथों से टैबलेट को न पकड़ें, इसे अपने मुंह में रखें और इसे धीरे धीरे घुलने दें। इसे चबाएं या निगलें नहीं, इसे घुलने दें। कुछ समय लग सकता है इसे घुलने में। एलेक्स खांसी टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह रहेगा कि आप इसे एक नियमित समय पर लें। इस टैबलेट की खुराक में आप सुबह शाम एक एक टैबलेट ले सकते हैं, इससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम जानते हैं यह टैबलेट किस प्रकार हमारे शरीर में काम करता है। एलेक्स खांसी लेजेंजेज लेमन जिंजर एक टीट्यूसिव खांसी को कम करने वाली दवा है। यह मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गति को कम कर देती है, जिसके कारण इसे लेने के बाद खांसी ठीक हो जाती है। अब इसे लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट लंबे समय तक बने रहते हैं या आपके लक्षण और ज़्यादा गंभीर होने लगते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके सामान्य साइड इफेक्ट में शामिल है नींद आना, चक्कर आना, उलझन और मिचली होना। ये 4 तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आपको सूखी खांसी के लक्षणों से राहत देने के लिए एलेक्स टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसे पुरानी खांसी वाले मरीजों या जहां खांसी के साथ अत्यधिक स्राव हो रहा है वहां नहीं लेना है। इस दवा का सेवन करते समय कंजेक्शन को कम करने में और गले को लुब्रिकेट करने के लिए अत्यधिक तरल पदार्थ पिए, जिससे आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एलेक्स टैबलेट का इस्तेमाल करते समय शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको इस टैबलेट को लेना है। गर्भावस्था के दौरान आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है। अगर आप फिर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके लिए यह बहुत ही सुरक्षित
टैबलेट है। लीवर और किडनी से जुड़ी समस्याओं वाले लोग भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह उनके लिए बहुत ही सुरक्षित है। हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें कितनी खुशियाँ देता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।